सदन का यूं तो तीसरा दिन काफी हंगामेदार है, लेकिन फिलहाल लंच चल रहा है। तमाम विधायक मंत्री लंच कर रहे हैं, सीएम साहब भी लंच के लिए पहुंच चुके हैं। सीएम साहब और स्पीकर साहब दोनों साथ साथ लंच कर रहे हैं। इसके अलावा जो बाकी विधायक है वो भी यहां पर बैठे हुए हैं, और विपक्ष के विधायक भी है, सत्ता पक्ष के विधायक भी है। कैबिनेट मंत्री हमारे साथ बनवारीलाल साहब मौजूद है। सर, यूँ तो काफ़ी हंगामा चल रहा है, सत्ता पक्ष विपक्ष एक दूसरे के विरोध में है, लेकिन अगर बात करें मुद्दों की बात करें, आज भी काफ़ी मुद्दे छाए रहे। ओपीएस के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की है विपक्ष ने आप लोगों। देखो, जिस तरह से जो ओपीएस है वो कांग्रेस की सरकार ने ही शुरू की थी, और आज जब खुद हुड्डा साहब ने माना कि भाई हमारे से गलती हुई और अब सुधारने का समय आ गया है, तो शुरू तो उन्होंने की थी, तो गलती तो उन्होंने की थी, हमारी सरकार ने तो शुरू की नहीं। तो ये सेशन के अंदर विपक्ष का जो काम है, पक्ष के ऊपर इल्जाम लगाना, उनके मान ही गए। जो ओपीएस बंद की गई थी हरियाणा में, उस वक्त हुड्डा सरकार थी, एक तरीके से डिप्टी सीएम को कह ही दिया था सदन में कि हमने गलती थी की थी, आप सुधार दीजिए। अब सुधारने देखो, इस पर तो माननीय मुख्यमंत्री जी विचार करेंगे, और लोगों से मिलने का टाइम भी, कर्मचारियों को मिलने का टाइम भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, तो उसका क्या निकल के आता है वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी। घटना हुई है जिसमें दो युवकों की जली हुई लाश मिली है, वो मुद्दा भी काफ़ी छाया रहा है, लोहारू कांड वाला। इसमें जो कुछ आरोप लग रहे हैं कि बजरंग दल के कार्यकर्ता है, सीधा सीधा गोरक्षकों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, इस पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा विपक्ष आक्रामक रहा। देखो, ये सब चीज़ें जाँच का विषय है, और उस पर जाँच में जो कुछ निकल के आता है, क्या निकल के आता है, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाए। सरकार उसमें जाँच करवा रही है। इस पूरे विवाद पर आपका क्या मानना है, इस पूरी घटना को लेकर? इसका तो मैं बताता रहा हूँ, जब तक जांच ना हो तब तक किसी पर आरोप लगाना, किसी का नाम लेना गलत है। देखिए, कैबिनेट मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल साहब मौजूद थे। डॉक्टर बनवारीलाल साहब का कहना है कि भले ही ओपीएस के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरता हो, लेकिन सदन में आज खुद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा मान गए थे कि जब हरियाणा में ओपीएस बंद की गई उस वक्त उनकी सरकार थी, उनसे गलती हो गई थी, लेकिन डिप्टी सीएम को उनकी तरफ से कहा गया कि आप गलती सुधार दीजिए। कैमरामैन ललित के साथ अनिल मोर, खबर चंडीगढ़।